आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से एक बार आरंभभूमि समाचार में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप इस वक्त मैं यहां जो बमदला का मुख्यालय है यहां पर आया हुआ हूं। मैं इस वक्त तक यहां जो पेट्रोल पंप आप दिखाई दे रहे हैं, मैं क्योंकि काकलिंग पे है, मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं और यहां आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये पेट्रोल पंप जो है यहां कोई भी कर्मचारी नहीं है। अगर यहां पे पेट्रोल नहीं होता, अगर आउट ऑफ स्टॉक होता तो सीधा बोल देना चाहिए था कि यहां पेट्रोल नहीं है। जो कर्मचारी है उसको हम सुबह से फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़ोन को भी पिकअप नहीं किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्र में लोग जो है यहाँ आकर बैठे हुए हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। ये बहुत ही गलत बात है। अगर यहाँ पेट्रोल नहीं होता तो यहाँ अच्छा से एक बोर्ड लिख देना चाहिए कि आउट ऑफ स्टॉक है, यानी कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी मात्रा में, जो कि आप सभी को पता है कि बमदला जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ कई सारे लोग आना जाना करते रहते हैं। ऐसा में कई बहुत सारे लोगों को तावंग जाना होता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि बमदला में ये एक ही सिंगल पेट्रोल पम्प है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यहाँ का जो निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट्रोल बिना आदमी चल ही नहीं सकते, डीजल बिना आदमी चल ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से बमदला में एक ही पेट्रोल है और ये पेट्रोल पंप भी यहाँ आप देख सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। ऐसा में अगर कोई इमरजेंसी, अगर तेजपुर जाना होता, अगर बालकपुंग जाना होता, अगर यहाँ से, क्योंकि बमदला एक मेन पॉइंट है, यहाँ से हर यहाँ से निकलता है, यहाँ से सेपा निकलता है, बमदला आपका तवंग निकलता है, यहाँ से ही असम निकलता है, बहुत जगह यहाँ से निकलते हैं। ऐसा में आज आप देख सकते हैं यहाँ एक कर्मचारी नहीं है। अगर तेल नहीं भी होता, आउट ऑफ स्टॉक होता, तो अब बोल देना चाहिए था कि यहाँ तेल नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ लापरवाही किया जा रहा है। तो मैं जो भी यहाँ कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम शख्स यहाँ कंप्लेन हम करते हैं। हम आरंभभूमि की तमाम दर्शकों को मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ का जो भी कर्मचारी है उनको पनिशमेंट, यानी कि उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए, मंग है। और मैं कोशिश करूँगा यहाँ जो भी आ रहे हैं पेट्रोल जो बनाने आ रहे हैं उनसे मैं बात करने के लिए कोशिश करूँगा कि वो कितने बजे से यहाँ लाइन लगे हुए हैं और उनको क्या दिक्कत हो रही है और उनको जाना कहाँ है। तो आइए हम मिलते हैं एक भाई साहब यहाँ पे हैं। आपका नाम बता दीजिए। ओके, तो आप कहाँ जा रहा था? एक्चुअली हम लोग तवांग जा रहे थे, तो कल रात को हम लोग यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे स्टे किया। तो हम लोग का प्लानिंग ये था कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग यहाँ से तवांग जाएंगे विजिट करने के लिए। तो हम लोग का प्लान तो 7 बजे निकलना था, बट हम लोग 7 बजे आया पर तब से लेके बंद हो रहा है। तो पता नहीं, अभी पूछा तो बोल रहे कि हम स्टॉक से पेड़ खत्म हो गया है। तो लेट से हम लोग तो वही रुक रहे कि जल्दी से जल्दी इसको पिच कर देने से पहले, क्योंकि हम लोग भी पूरा यकीन नहीं इतना और अभी कब दवा होगी, कैसा कब पहुँचेगा वो पता नहीं। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? हम ईटानगर से आ रहे हैं। ईटानगर से आ रहे हैं? हाँ, हम लोग इस समय और यहाँ से आ रहे हैं। तो वी आर सो विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे। एंड देन तो भी उन्हें अरुणाचल का बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है, जैसे सबको पता है, ऐसे जगह पे ऐसे का कमी होना बहुत प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो मैं जिस तरह से ये भाई साहब बता रहे कि उनको तवांग जाना है, जो कि तवांग काफ़ी दूर है यहाँ बमदला से, आपको 170 किलोमीटर आसपास यहाँ से तय करना है। तो इस प्रकार अगर यहाँ तेल नहीं होगा, जो कि बमदला में ये सिंगल पेट्रोल पंप है, जो कि यहाँ इस तरह से प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होता भी है तो बता देना चाहिए कि यहाँ इस तरह से प्रॉब्लम, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई प्रकार का यहाँ आदमी नहीं है। सुबह से इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए अभी थोड़ा देर पहले बहुत काफ़ी यहाँ ट्रैफिक था, आज बहुत से लोग यहाँ इंतज़ार किया है, लेकिन जो जो यहाँ का जो ड्यूटी कर रहा है, जो कर्मचारी है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो फ़ोन करके बता देना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से पेट्रोल जो है आउट ऑफ स्टॉक है, कब तक यहाँ रुकेगा। अगर कोई इमरजेंसी जाना होगा, कहीं मेडिकल इमरजेंसी जाना होगा, कहीं फैमिली प्रॉब्लम अगर जाना होगा, ऐसा में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ बना हुआ है। सारे लोगों से बात कर लेते सर, आइए सर, आप यहाँ पेट्रोल डालने आ रहे हो ना? हाँ हाँ, पेट्रोल डालने को आया था। अभी पेट्रोल ने क्या करेगा ना अभी? पहले हम लोग तो दूर जाना है, हम लोग तो नफरत साइट में है, अभी यहाँ से भी फिर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा तेल भी ना, अभी नील दिखा रहा है मेरा टंकी में ना। देखिए ये जो है, ये सार जो है नाफरा से आया है, जो कि नाफरा में भी कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। नाफरा वाला जो यहाँ आके डालते हैं, यही सिंगल पेट्रोल पम्प है हमारे यहाँ पे। तो देखिए सर भी आज यहाँ सुबह से रुका हुआ है, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ बहुत सा दिक्कत यहाँ हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। सर आपका बता दीजिए। तो यहाँ पापा का साथी आया था, हम भी मतलब पेट्रोल बनाने के लिए, तो यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, तो अभी
बस्ती भी जाना है तो वहाँ तो कहीं पेट्रोल मिलता नहीं है, तो अगर रास्ता में रुक जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग मैं ये जो है आपका जरा ये जो है यहाँ जो काम करता है ना, अगर तेल नहीं भी होता है तो वो बताना चाहिए कि यहाँ पे तेल नहीं है, या तो यहाँ पे एक क्लियर लिख देना चाहिए ताकि तेल यहाँ में आउट ऑफ ये है, आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हम मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ रुका हुआ है यहाँ का जो जो भी तेल देने आया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? इसका ऊपर में ज़्यादा तो नहीं बोलेगा, लेकिन घर में इसका ऊपर में थोड़ा कुछ देख के कुछ कहने से अच्छा होगा। यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ में मतलब पहले भी बहुत कुछ होता है, मतलब यहाँ में जैसे थोड़ा मोड़ा पेट्रोल वेट्रोल में भी मतलब ऊपर नीचे मीटर वीटर में वो लोग करता है, पहले भी ऐसे बहुत केसेस पक रहा है, तो आप लोग थोड़ा देख के आप लोग की तरफ से कुछ डिसीजन लेने से एक अच्छा डिसीजन लेने से अच्छा होगा। ओके, तो जिस तरह से भाई साहब का कहना है कि ये पेट्रोल पंप जो है आज सिर्फ ये आउट ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ आया है जो कि पब्लिक से काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा कंप्लेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, तो भाई साहब आप कौन बता दीजिए? मेरा नाम गणेश। गणेश, आप अभी यहाँ तेल डालने आया होगा? जी हाँ सर। तो आप फर्स्ट टाइम तो नहीं आ रहा होगा? सभी तो हमेशा आता हूँ, हमेशा आते रहते हैं। तो जिस तरह से आज जो यहाँ जो जो तेल डालते हैं जो ड्यूटी करते हैं, क्या वो इस तरह से एब्सेंट होते हैं क्या हमेशा? ऐसे तो कभी नहीं हुआ, या तो यह था कि हम स्टॉक मिल तो लिख तो रखता है, आज तो वो भी तो नहीं है। हाँ, अभी देखिए आपने जो बात बोला है वो बहुत सही है, अगर तेल नहीं है तो और स्टॉक लिखना चाहिए। अभी देखिए इतना दूर दूर से आ रहे, कोई ईटानगर से आ रहे, कोई पासीघाट से आ रहे, अरुणाचल का हर जगह से, क्योंकि बंदला जो है एक टूरिस्ट जगह है, यहाँ हर कोई घूमने के लिए पसंद करता है, कोई हर कोई विजिट करने के लिए पसंद करता है। ऐसा में पेट्रोल और डीजल आउट ऑफ स्टॉक होना ये बहुत गलत बात है, अगर होता भी है तो जो काम कर रहा है वो यहाँ क्लियर लिख देना चाहिए। मैं तो सुबह से फ़ोन पे कोशिश कर रहा हूँ, फोन पे नहीं जा रहा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उस बात पर? तो डिपो और खुला है तो तेल तो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अभी इतना बड़ा डिपो खुला है तो क्योंकि मतलब ये लोग को मालूम होना सर तेल अभी कितना बचा है इसको, कितना बैलेंस बचा है, तो मतलब बैलेंस खत्म होने से पहले लोग तेल मांगना चाहिए, अवेलेबल के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काफ़ी संख्या में लोग यूज़ करते हैं इसको। ओके, तो जिस तरह से मैं आपको फिर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ में देखिए काफ़ी सारा जो यात्रा है यात्रियों है वो आना जाना कर रहे हैं, यहाँ पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ जो भी कर्मचारी जो भी ड्यूटी कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ मैं शख्स यहाँ कंप्लेंट करता हूँ, उनको एक्शन होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए जो भी ऑथोराइज है जो भी चला रहा है इस पेट्रोल पंप पर, क्योंकि देखिए बमतला बहुत बड़ा एक पॉपुलेटेड जगह है, बहुत बड़ा एक पुराना डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आना जाना होते रहते हैं यात्रियों जो है। आप देख सकते हैं कुछ एक भाई साहब जो है उनको जाना था तवंग, और तवंग जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम अगर हम यहाँ दिखाई देता है तो यहाँ आने के लिए हमारे यहाँ आने के लिए कोई भी नहीं मानेगा अगर इस तरह से प्रॉब्लम हमको दिखाई देता है। इसलिए मैं जो भी जो पेट्रोल पंप जो यहाँ चला रहे हैं उनका कर्मचारी जो भी ऑथोराइज है, मैं ऑथोराइज में रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि जो भी कर्मचारी आप यहाँ रखा गया है उनके खिलाफ़ यहाँ एक्शन लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।